हेलो गाइस, दिस इज मिज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट लेक्चर हुमायूं से रिलेटेड। हुमायूं की आज हम बात करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी बाबर के बारे में, उसने क्या क्या इंडिया में करवाया, क्या पेंटिंग से रिलेटेड उसने करवाया और उसके टाइम पे कौन कौन आर्टिस्ट थे और उसने क्या आर्किटेक्ट में काम करवाया, उसके बारे में हमने सारी बात की थी। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि नहीं छूटेगा। अब हम इतना डीपली यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आज हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे, उसका शासनकाल कहाँ से शुरू हुआ और उसने क्या क्या यहाँ इंडिया में करवाया, क्या पेंटिंग के बारे में क्या करवाया है और आर्किटेक्ट में क्या करवाया, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट था किस में नहीं था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट फॉर क्लास 12 पेंटिंग। तो आज जो हम बात करेंगे वो है हुमायूं। अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं कौन था, ये भी मुगल डायनेस्टी का सेकेंड किंग था, जो कि इंडिया में मुगल डायनेस्टी के स्टेबलाइज होने के बाद जो सेकेंड था, इसका नाम था हुमायूं और ये बाबर का सन था। कह सकते हैं कि इसके बाप का क्या नाम है तो वो बाबर है। तो हुमायूं का जो टाइम होता है वो है 1530, क्योंकि 30 में बाबर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद 1530 से 40 तक हुमायूं यहाँ पर राज करता है, और बीच में फिर एक इसका गैप भी आता है जिसमें इसे 15 साल के लिए यहाँ से भागना पड़ता है। बीच के 15 साल चाल 40 से लेकर के 1555 तक इसे यहाँ से भागना पड़ता है, ये अपना राज्य हार जाता है और इसे यहाँ से भागना पड़ जाता है। तो ये 1555 में आता है फिर से और 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बारे में अब बात करेंगे कि इसने क्या क्या किया है, ठीक है। तो अब जो इसका 10 साल यहाँ पर ये राज्य था इसका 13 to 14 तक, तो उसमें यहाँ पर कोई भी इसका काम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वो ज्योतिष में ज़्यादा बिलीव करता था और ये हफ्ते में जितने दिन होते हैं उतने कलर के कपड़े पहनता था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। और इसको ज्योतिष की बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद था और ज्योतिष की बुक अब हमेशा अपने साथ रखता था, अगर ये कहीं पर युद्ध पे भी जाता था तब भी अपने साथ रखता था। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइम पर पेंटिंग में इसको कहाँ इंटरेस्ट था और पेंटर कौन थे इसके टाइम पर पेंटिंग। तो अगर पेंटिंग की बात करें तो सबसे पहले हुमायूं ने पेंटिंग करवाई है वाइट पीजन कहें या फिर फाख्ता बर्ड या कबूतर कहें, तो सबसे पहले जो वाइट कबूतर की या वाइट बर्ड की जो पेंटिंग करवाई है वो हुमायूं ने करवाई है, और इसमें आता है बर्ड, ठीक है, वाइट बर्ड की। इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब ये यहाँ से इंडिया से ये जो 15 ईयर का जो इसका काल है बीच में भागने का, यहाँ वहाँ गुजर रहने का, इधर उधर ठहरने का, तो उस टाइम पे ये अपने खेमे में बैठा हुआ था, वहाँ पर एक सफ़ेद कबूतर या फाख्ता आ जाती है तो उसे पकड़ के उसके पर बांध के या फिर पर काट करके उसका चित्र करवाता है वो अपने पेंटर से, और फिर उसको बाद में छोड़ देता है। और इसी बीच में जब ये 15 साल जो बीच में यहाँ इधर उधर घूम रहा था तभी अकबर का भी जन्म होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले वाइट बर्ड का किसने पेंट करवाया है, तो वो है आपका हुमायूं, यहाँ से आप याद रखेंगे, ये भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं याद रखने के लिए क्योंकि अभी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो मेन मेन मोटी मोटी बातें हैं वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हुमायूं ने सबसे बड़ा काम जो किया है मुगल डायनेस्टी में पेंटिंग के लिए, तो वो है इसने 2 पर्शियन आर्टिस्ट या 2 टर्किश आर्टिस्ट को इनवाइट किया था अपने कोर्ट में, जब ये 1556 के बीच में, तो तब जब ये यहाँ से निष्कासित हुआ था 15 साल के बीच में इधर उधर भाग रहा था कि इधर से उधर किसी के कोर्ट में जा रहा था, तब इसने इनवाइट किया था 2 पेंटर को जिसका नाम है मीर सैयद अली। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम होने वाले हैं आपके लिए, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये पर्शियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया में कह सकते हैं कि मुगल आर्ट को स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया, और इन्होंने ही इस आर्ट को यहाँ पर फूला फलाया है, क्योंकि ये दोनों आर्टिस्ट जो है वहाँ पर मास्टर आर्टिस्ट रहे हैं। तो अब बात करते हैं हुमायूं,
आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि हुमायूं कौन दो पेंटर को अपने साथ लेकर के आया था, तो उनका नाम दिया गया होगा आपको मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद, या फिर एक का भी नाम दिया गया होगा तो आपको अगर पता होगा तो आप इन्हें आराम से लगा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद ने इसके टाइम पर क्या पेंट किया। तो हुमायूं ने यहाँ पर पेंट करवाना शुरू किया था इन दोनों आर्टिस्ट, मीर सैयद अली ने स्टार्ट किया था उसको, जो है आपका दास्तान ए अमीर हमजा। तो दास्ताने अमीर हमजा में क्या है, दास्ताने अमीर हमजा में है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके चचा वगैरह और उस टाइम के जो किंग थे उनकी वीर गाथाएं लिखी हुई हैं इसमें, उनके शौर्य को इसमें डिपिक्ट किया गया है इस दास्ताने अमीर हमजा। दास्ताने अमीर हमजा को पेंट करना किसने शुरू किया था, मीर सैयद अली ने, और ये शुरुआत हुई है इसकी हुमायूं के टाइम पे। तो सबसे पहले इसने क्या पेंट करवाना शुरू किया, दास्ताने अमीर हमजा हुमायूं ने पेंट करवाया अपने टाइम पे, स्टार्ट करवाया मतलब पेंट करवाना, ये कंप्लीट तो 15 साल में हुआ था और अकबर के टाइम पे हुआ था जो कि फिर अब्दुल समद के अंडर में कंप्लीट हुआ था। ये कंप्लीट किसके, स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ, स्टार्ट हुआ मीर सैयद अली के टाइम पे और कंप्लीट हुआ ये अब्दुल समद के टाइम पे। आगे बात करेंगे इनकी जब अकबर का टाइम चल रहा होगा। तो अब आपको पता चला दास्तान अमीर हमजा क्या है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की इसमें कहानी लिखी हुई है और उनकी वीर गाथाएं लिखी हुई है, और हुमायूं ने दास्तान अमीर हमजा किन दो मास्टर आर्टिस्ट के अंडर में करना शुरू किया था, मीर सैयद अली के, और ये कंप्लीट कब हुआ, अब्दुल समद के अंडर में, और ये हुआ अकबर के टाइम पे कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बस ये आपको टू पेंटिंग्स ही देखने को मतलब ये पेंटिंग ही आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसका जो सेकेंड टाइम में जब ये आया यहाँ पर तो एक ही साल इसने यहाँ पर राज किया, और उसके बाद इसने आर्किटेक्ट में क्या क्या करवाया है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में इसने दीन ए पना एंड दूसरा अगर हम बात करें तो वह है शेर मंडल लाइब्रेरी, तो दो चीज़ें इसने बनवाई थी, और लास्ट में ये शेर मंडल के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए इसकी गिर के वहाँ पर मौत हो जाती है, क्योंकि जो जितने भी किंग हैं हमारे मुगल टाइम के तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते थे और उनकी सीढ़ियाँ होती थी बहुत ऊपर तक चढ़ने के लिए, तो ये वहाँ से गिर करके इसकी मौत हो जाती है, और ये 1556 में होती है। इसके बाद ही अकबर को यहाँ पर राजा बनाया जाता है। लेकिन इसके टॉम की भी बात कर लेते हैं, ये काफ़ी फेमस इसका टॉम है जो कि हुमायूं टॉम कहाँ है, अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आपको पता होगा, या फिर आप कभी दिल्ली गए होगे टूर पे तो आपको पता होगा हुमायूं टॉम है दिल्ली में। ठीक है, ये दिल्ली में है हुमायूं टॉम, और इसमें झलक देखने को मिलती है वाइट पत्थर की, जो कि बाद वाइट संगमरमर जिसे कहते हैं, बाद में वही पत्थर ताजमहल में यूज़ किया गया है, ये उसका इन्फ्लुएंस हुआ इससे ताजमहल। ठीक है, अभी जो इसमें ये हुमायूं टॉम है वो दिल्ली में बना हुआ है, बट ये बनवाया किसने है अगर इसकी बात करें तो ये बनवाया है हाजी बेगम ने, ये हाजी बेगम ने बनवाया है, और टाइम था इसका अकबर के टाइम पे, पीरियड कह सकते हैं, तो ये अकबर के टाइम पे बना है, क्योंकि जब हुमायूं मर गया था उसके बाद ही इसका टॉम बना होगा, या फिर मकबरा जिसे कहते हैं वो बना होगा, तो वो हाजी बेगम ने बनवाया है जो कि इसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ हुमायूं। ठीक है, और ये अकबर के टाइम पर बना है। और अब इसकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने बायोग्राफी की बात तो करी नहीं है, तो उसका नाम है हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसकी जो राइटर है, राइटर जो है वो गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम कौन थी, तो वो हुमायूं की सिस्टर थी। ठीक है, तो इसकी सिस्टर ने लिखा है इसके बारे में हुमायूं नामा में, और जहाँ पर नामा आता है उससे आपको पता लगाना है कि वो बायोग्राफी है।
ठीक है, इसमें जितने भी हैं जैसे अकबरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा और शाहजहांनामा, ये सारे जो नामा है, जो ना से नामा आता है वो बायोग्राफी होती है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये बायोग्राफी है। और आपको आपको पता लगा कि हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन बेगम कौन है? वो हुमायूं की सिस्टर है। और इसका जो जो टॉम है, जो दिल्ली में है, हुमायूं टॉम, वो इसकी वाइफ हाजी बेगम ने बनवाया है, और जो कि अकबर के टाइम पे बना है। और अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो इसने दीन पनाह महल बनवाया था अपने टाइम पे, और शेर मंडल लाइब्रेरी बनवाई है जिसकी सीढ़ियों पर से गिर के इसकी डेथ हो जाती है। और पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग जो एक पिटका जिसे कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ पेंटिंग होता है उसे पिटका कहते हैं, और या फिर एल्बम कह सकते हैं। तो जो एल्बम दास्तान आमिर हमजा है वो इसने ही शुरू की थी हुमायूं ने, और ये मीर सैयद अली के अंडर में स्टार्ट हुई थी। और ये दो आर्टिस्ट लेकर आया था, पर्शियन मास्टर आर्टिस्ट जो हैं मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद। और ख्वाजा अबू समद और मीर सैयद अली कौन हैं? ये हैं स्टूडेंट ऑफ बेहजाद, बेहजाद के स्टूडेंट हैं ये, बेहजाद के स्टूडेंट हैं ये, बेहजाद के स्टूडेंट हैं दोनों ये। और शाह तमस के दरबार में काम करते थे ये दोनों, दोनों शाह तमस के दरबार में काम करते थे जहाँ से इसको इनवाइट किया था हुमायूं ने। तो दो पर्सन आर्टिस्ट कौन है? मीर सैयद अली और अब्दुल समद, और ये हैं स्टूडेंट ऑफ बेहजाद जिसे राफेल ऑफ ईस्ट कहा जाता है। और सबसे पहले वाइट वर्ल्ड की पेंटिंग अगर किसने करवाई तो वो भी आपके हुमायूं ने करवाई है। और हुमायूं का जो शासनकाल है वो टू पार्ट्स में बैठा हुआ है, जैसे 1530 to 1540 है एंड फिर 1555 to 1556 है। और ये हुमायूं जो है वो किसका बेटा है? वो बाबर का बेटा है, और बाप किसका है? तो वो अकबर का बाप है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।